प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टॉपिक को डिटेल में समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स एंड विथ केस लॉज। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ ही में आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रोफेशनल एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है, राइट? तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? देखो, हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन अगर हम मिसकंडक्ट के लिटरल मीनिंग को समझें तो मिसकंडक्ट का मतलब होता है एन एक्ट डन विलफुली विथ अ रॉन्ग इंटेंशन बाय एनी प्रोफेशनल्स नोन एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जब कोई एक्ट विलफुली यानी जानबूझकर रॉन्ग इंटेंशन से किया जाता है किसी प्रोफेशनल के द्वारा तो वो कहलाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट? तो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आता है तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ बेसिक बातों को आप लिखोगे, जैसे द वर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, द वर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज नोवेयर, मतलब कहीं भी, इज नोवेयर डिफाइंड इन एडवोकेट्स एक्ट 1961। और इस सेंटेंस को आप हाईलाइट कर दोगे, राइट? अब आप लिखोगे द जनरल मीनिंग ऑफ मिसकंडक्ट, द जनरल मीनिंग ऑफ मिसकंडक्ट। तो जो वर्ड मिसकंडक्ट है उसका जनरल मीनिंग क्या है? देखो, एन एक्ट डन विलफुली विथ रॉन्ग इंटेंशन, एन एक्ट डन विलफुली विथ रॉन्ग इंटेंशन बाय एनी प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल के द्वारा, तो वो कहलाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या हम ये कह सकते हैं एक ऐसा एक्ट जो किसी प्रोफेशनल के द्वारा किया गया है विलफुली जानबूझकर विथ रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन से, जो उसके प्रोफेशन के एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट हो, वो कहलाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, अब देखो, तो हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 35 है वो एडवोकेट्स के रिगार्ड में पनिशमेंट की बात करता है कि अगर एक एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। तो सेक्शन 35 होल्ड्स प्रोविजंस रिगार्डिंग पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो यहां आप लिखोगे सेक्शन 35 ऑफ, सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 होल्ड्स प्रोविजंस
रिगार्डिंग पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब है एन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन एडवोकेट। अब देखो, क्योंकि हम प्रोफेशनल एथिक्स, हम लीगल एथिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 35 में एडवोकेट्स को लेकर के पनिशमेंट की बात कही गई है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो यहाँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है? एडवोकेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हम ये कह सकते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मीन्स एनी एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन एडवोकेट इन वॉयलेशन ऑफ, किसके वॉयलेशन में? इन वॉयलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स या इन वॉयलेशन ऑफ लीगल एथिक्स फॉर सेल्फिश एंड्स। क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। लिखो, एक्टिविटी और एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन एडवोकेट इन वॉयलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स या लीगल एथिक्स फॉर सेल्फिश एंड्स क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या एन एक्ट ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट का कोई एक्ट या एडवोकेट का कोई बिहेवियर जो उसे डिसक्वालीफाई कर दे कि वो अपने लीगल प्रोफेशन को अब कैरी ऑन नहीं कर सकता है। एन एक्ट ऑफ एडवोकेट विच डिसक्वालीफाइज हिम फ्रॉम हिज प्रोफेशन नोन एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो इसे हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज नॉट गिवन इन योर एडवोकेट्स एक्ट 1961, राइट। अब देखो, एक केस है हमारे पास, तुलसीदास अमनमल का केस, तुलसीदास अमनमल, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन रहेगा आपका। अब देखो, तुलसीदास अमनमल, यानी इन मैटर ऑफ तुलसीदास अमनमल, AMAN अमनमल, MAL, इट हैज बीन हेल्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट दैट मिसकंडक्ट इज सफिशिएंटली वॉइडर एक्सप्रेशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड इन्वॉल्व ओनली मोरल टर्पिट्यूड। देखो, इन द मैटर ऑफ तुलसीदास अमनमल ये कहा गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि जो टर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसका एक वॉइडर मीनिंग है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट शुड नॉट इन्वॉल्व ओनली मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब है, देखो, एक होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड को जब हम नेगेटिव सेंस में लेंगे तो वो कहलाएगा टर्पिट्यूड, यानी एक ऐसा एटीट्यूड जो कि क्या है,
मोरली रॉन्ग है, नोन एज मोरल टर्पिट्यूड। तो इन द मैटर ऑफ तुलसीदास अमन मल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो टर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसका वॉइडर एक्सप्रेशन है एंड इट शुड नॉट इन्वॉल्व ओनली मोरल टर्पिट्यूड, ये केवल नैतिक अधमता को ही नहीं इंक्लूड करता है बल्कि इसके क्या है वॉइडर एक्सप्रेशन है। जैसे इसी पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि एनी कंडक्ट विच इन एनी वे, जो किसी भी वे में रेंडर्स अ मैन अनफिट, जो एक पर्सन को अनफिट करता हो या डिसक्वालीफाई करता हो, तो किसी भी पर्सन का कोई कंडक्ट जो उसे अनफिट डिक्लेयर कर दे या उसे डिसक्वालीफाई कर दे कि वो अब अपने प्रोफेशन को फर्दर कैरी ऑन नहीं कर सकता है, या किसी पर्सन का कोई कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट या किसी अदर कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट का सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस करे, तो वो पर्टिकुलर कंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है विच इज डन विथ रॉन्गफुल इंटेंशन, राइट, विच इज डन विलफुली, किसके द्वारा किया जाएगा? उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा किया जाएगा जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करेगा। तो ये है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यानी द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट्स, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट है जो बताएगी कि एडवोकेट का ये पर्टिकुलर एक्ट क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, राइट। चलिए तो केस लिख लो, इन री तुलसीदास अमनमल इट हैज बीन हेल्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट दैट मिसकंडक्ट इज sufficiently voider expression, misconduct is sufficiently voider expression it should not involve only moral turpitude any act आगे आप लिखोगे बॉम्बे हाई कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट एनी एक्ट या एनी कंडक्ट विच इन एनी वे renders a man unfit for exercise of his profession or is likely to hamper administration of justice or is likely to hamper administration of justice by Supreme Court or any court subordinate to it
क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा, एंड इट मे बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कॉलिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, राइट। तो एक एडवोकेट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व दीज, इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता है? जैसे पहला, मोरल टर्पिट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ एडवोकेट विच इज मोरली रॉन्ग, विच इज अगेंस्ट हिज प्रोफेशन, और एन एटीट्यूड ऑफ एडवोकेट विच इज अगेंस्ट द एथिकल वैल्यूज ऑफ हिज प्रोफेशन। क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, या इम्प्रॉपर और रॉन्गफुल बिहेवियर ऑफ एन एडवोकेट, या अ फॉरबिडन एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, अगर एडवोकेट उस पर्टिकुलर एक्ट को करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा। केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय एन एडवोकेट, या फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो इन सभी चीज़ों को जान के हम ये समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कौन कौन से एक्ट आ सकते हैं, राइट। तो लिख लो, वन कैन से दैट, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व, पहला मोरल टर्पिट्यूड, दूसरा इम्प्रॉपर और रॉन्गफुल बिहेवियर ऑफ एन एडवोकेट, तीसरा अ फॉरबिडन एक्ट, चौथा केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, और लिख लो, अटेंडिंग कोर्ट्स प्रोसीडिंग इन ड्रंकेन स्टेट, मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट अदर जुडिशियल ऑफिसर्स। तो ये सभी क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के एग्जाम्पल्स। अब एक केस, शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मीनिंग को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि ब्राइबिंग द जज, जज को घूस देना या जज को रिश्वत देना सीरियस मिसकंडक्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट राइटिंग अ लेटर टू हिज क्लाइंट, एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को अगर ये कहता है कि आप जज को रिश्वत दे दो, तो एडवोकेट का ये पर्टिकुलर एक्ट सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एक और केस है, एनजी दस्ताने वर्सेस श्रीकांत। इस केस में ये कहा गया कि अगर एक एडवोकेट बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के बार बार एडजॉर्नमेंट्स मांगता है कोर्ट से, तो उसका ये पर्टिकुलर एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा, राइट। तो ये दो केसेस लिख लो। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व, प्रोफेशनल, चलो लिखवा देता हूं मैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व। देखो, पहला मोरल टर्पिट्यूड, दूसरा इम्प्रॉपर और रॉन्गफुल बिहेवियर, इम्प्रॉपर और
रॉन्गफुल बिहेवियर, बाय एडवोकेट तीसरा एनी फॉरबिडन एक्ट केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन या गिविंग फॉल्स एविडेंसेस इन द कोर्ट making false allegations against judicial officer refusing to accept a case without justification proper justification attending court proceeding in drunken state carrying on other business or trade किसी अदर ट्रेड को भी अगर आप कैरी ऑन करते हो अपने लीगल प्रोफेशन में रहते हुए तो वो भी क्या है आपके कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा ठीक है तो अब केसेस लिख लो आप शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री इस केस में कहा गया ब्राइबिंग द जज इज सीरियस मिसकंडक्ट सिंपल लिख लो ब्राइबिंग द जज इज सीरियस मिसकंडक्ट आगे आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में कि अगर एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को ये एडवाइस देता है कि आप जज को ब्राइब दे दो तो ये सीरियस मिसकंडक्ट में आएगा राइटिंग अ लेटर टू हिज क्लाइंट टू सेंड मनी टू ब्राइब द जज इज सीरियस मिसकंडक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट लीगल प्रोफेशन इज नॉट अ ट्रेड और अ बिजनेस लीगल प्रोफेशन कोई ट्रेड या कोई बिजनेस नहीं एनजी दस्ताने वर्सेस श्रीकांत इस केस में यह कहा गया कि सीकिंग रिपीटेड एडजॉर्नमेंट्स Without any reasonable cause, amounts to professional misconduct. ठीक है? Okay. अब देखो हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन 35 क्या कहता है सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बात करता है और ये पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है कि व्हेन स्टेट बार काउंसिल रिसीव्स अ कंप्लेंट अबाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट जब स्टेट बार काउंसिल किसी एडवोकेट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रिसीव करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को लेकर के
तो स्टेट पार्क काउंसिल अपने कंसर्न डिसिप्लिनरी कमेटी को या किसी अदर स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी को वो कंप्लेंट ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो एडवोकेट को एक चांस ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेगी, उसकी बातों को सुना जाएगा। उसके बाद जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो या तो रिप्रीमांड द एडवोकेट को वार्निंग दे करके छोड़ सकती है, या अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीरियस नेचर का है तो एडवोकेट को फ्रॉम प्रैक्टिस सस्पेंड कर सकती है, या एडवोकेट के नेम को फ्रॉम द रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल रिमूव कर सकती है। अब ओनली डिसिप्लिनरी कमेटी हैज द पावर, केवल डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ही पावर है कि वो एडवोकेट को सस्पेंड करे फ्रॉम प्रैक्टिस या उसके नेम को रिमूव करे फ्रॉम स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो उसके नेम को रोल ऑफ एडवोकेट से रिमूव करे या उसे सस्पेंड करे। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्ड में आप एक केस लिख सकते हो, पीडी गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति का केस है, जिसमें यह कहा गया कि क्लाइंट के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को परचेज करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। ठीक है, तो लिख लो सेक्शन 35 सिंपल वर्ड्स में, आपके बेयर एक्ट में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है तो उतना नहीं लिखना है आपको, कुछ मेजर बातें सेक्शन 35 के लिखने हैं, जैसे लिख लो सेक्शन 35 सेक्शन 35 पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट स्टेट बार काउंसिल receives when state bar council receives complaint about professional misconduct of an advocate आगे आप लिखो, क्योंकि बारिश आने वाला है तो आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। When State Bar Council receives a complaint about professional misconduct of an advocate, it shall transfer the complaint to concerned disciplinary committee. Disciplinary committee, after receipt of complaint रिसीव करने के बाद विल गिव अ चांस ऑफ हियरिंग टू एडवोकेट, एडवोकेट को एक चांस ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेगी। उसके बाद डिसिप्लिनरी कमिटी या तो रिप्रीमांड द एडवोकेट, एडवोकेट को वार्निंग दे करके छोड़ दे, या सस्पेंड कर सकती है एडवोकेट को फ्रॉम प्रैक्टिस। तो पहला, डिसिप्लिनरी कमेटी आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट विल गिव अ चांस ऑफ हियरिंग टू एडवोकेट, फर्स्ट रिप्रीमांड द एडवोकेट, दूसरा सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस, तीसरा रिमूव
द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स और ओनली डिसिप्लिनरी कमिटी हैज द पावर टू सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग राइट। चलिए तो ये था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जिसे हमने डिटेल में विथ प्रॉपर नोट्स समझा। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस आपको कैसे भी हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।